नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं मौजूद हूं इस समय फिनो पेमेंट्स बैंक में। जैसा कि मैं अपने पहले दर्शकों को बता दूं, इस समय पूरे देश में पेपर को हटाया जा रहा है, पेपरलेस सारी बातें हो रही हैं, उसी के तहत ये फिनो पेमेंट्स बैंक जगह जगह खोले जा रहे हैं। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी जानकारी के लिए मुझे किसी न किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरी बात आप तक पहुंचानी। सर, मेरा छोटा सा सवाल, ये किस तरीके से काम करता है? सर, ये आज से कुछ साल पहले तक लोगों की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक बैंकिंग आर्स पे डिपेंड होती थी, और उनकी घर से बैंक इतना दूर है इस पे डिपेंड करता था कि वो अपने काम को अपने दिन चर्या में से कुछ घंटे निकाल के वो बैंक जाते थे। हमारी कोशिश ये है कि लोगों का ये बिहेवियर कैसे चेंज करें, इसके लिए उसके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके गांव में, उनके ब्लॉक में, उनके काम के क्षेत्र के बगल में हम बैंकिंग पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपनी बुनियादी बैंकिंग उनके घर के बगल में हमेशा मिले, बियॉन्ड बैंकिंग आवर्स मिले, सुबह 7 बजे मिले, रात को 9 बजे मिले। किसी भी बैंक में खाता हो, आपको कैश डिपॉजिट कराना है, विड्रॉल कराना है, बिल पेमेंट है, रिचार्ज है, खाते खोलने हैं, छोटी छोटी बीमा की सुविधाएं हैं। आपका मतलब है अब हमें बैंक बड़े बैंकों में जाने की जरूरत नहीं, जहां भीड़ वाले बैंक है। जो डोर स्टेप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एक सिर्फ HNI कस्टमर तक सीमित था, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव तक लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचे। आज की तारीख में आपके फिनो पेमेंट्स बैंक की क्या पोजीशन है पूरे प्रदेश में? जैसा कि मुझे बताया गया था, लगभग 33,000 के आसपास आपकी शाखाएं, जिले की बात की जाए तो 31,000 एग्जैक्ट, हो सकता मैं गलत भी हूँ, एग्जैक्ट फिगर क्या कहता है आपका? मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से हम ये बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक लेके जा रहे हैं। 33,000 से अधिक भाई बहन उनकी दुकानें शॉपिंग शॉप में लोगों तक ये बैंकिंग सुविधाएं हम पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश है ये हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। प्रयास आगे भी जारी रहेगा। बचत और चालू खाता खोला जा सकता है, मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, आधार पेमेंट हो सकता है, बिल भुगतान हो सकता है, रिचार्ज हो सकता है। ये बीमा के बारे में जरा हमारे दर्शकों को समझेंगे? तो जो बुनियादी बीमा की ज़रूरतें हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड छोटी छोटी बीमाएँ हैं, डेंगू मलेरिया का मच्छर काट लेता है तो 49 रुपये की बीमा, अगर हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ पर्चे के बेसिस पे आपको 1,000 रुपये हर दिन के हिसाब से लोगों को रीइंबर्समेंट, जैसी जो माइग्रेंट्स किसान भाई बहन जो मजदूर्स हैं उनके लिए जो बुनियादी बीमा की ज़रूरत है, हम वो गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, बैंक आपके दरवाजे तक आ चुका है, बस ज़रूरत है आपको बैंक के दरवाजे तक आने की। आपके सारे काम अब घर बैठे ही हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का प्रयास है फिनो बैंक का।